हेलो दोस्तों दोस्तों आज दी वीडियो विच आप गल करांगे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद विच आई जॉब वैकेंसी दे। दोस्तों काफ़ी नंबर ऑफ जॉब वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की हैं ते काफ़ी चंगी स्केल दियां जो जॉब वैकेंसियां अनाउंस की हैं। यह जो जॉब वैकेंसियां हैं यह क्लर्क दियां हैं, अपर डिवीजन क्लर्क ते लोअर डिवीजन क्लर्क। ते बाकी आप मेन मेन गल आप इस पीडीएफ फाइल में चैक कर लेनी है। ते बाकी जो तुसी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उत्थे तुहानू मैं लिंक दे देंगे, उत्थे तुसी डाउनलोड करके चंगी तरह अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यही रीड करके ते इस फॉर्म नू अप्लाई कर सकते हो। ते दोस्तों एक होर मेन गल, जे तुसी अगे चलने तो पहले साडा चैनल सबसक्राइब नहीं किया तां प्लीज़ साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, कोई ज़्यादा जोर नहीं लगता, बस अपन टच ही करना सबसक्राइब बटन पर। ओके दोस्तों हुण आउंदे आपां मेन गल ते, हुण आपां चैक कर लैंदे हां कि किन्नियां पोस्टां इन्हां ने अनाउंस कीतियां गईयां हन। दोस्तों सब तो पहले आपां गल करते हैं कि जो है अपर डिवीजन क्लर्क ग्रुप सी की पोस्टां, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 हैं। तो इसकी पे स्केल की गल करिए 52 सौ तो लैके 20,200 इसकी पे स्केल दसी गई है। तो यह अपने को लिस्ट दसी गई है जनरल SC ST OBC EWS PDF वास्ते किनिया पोस्टा हैं जे जो वो रिजर्व रखे गए हैं। तो दूजी पोस्ट की गल करिए आप लोअर डिवीजन क्लर्क की है ग्रुप सी की है, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप चैक कर सकते हैं 52 है। तो इसकी पे स्केल की गल करिए तो 5200 तो लैके 20,200 इसकी पे स्केल रखी गई है। तो यह सारा चार्ट SC ST जनरल कैंडीडेट लिए रकम रखा गया, इन इन सीटा न जो लोअर डिवीजन क्लर्क की है वह अवेलेबल हैं तो सेव हैं। होर मेन मेन आप गल कर लीए जो इसकी एज लिमिट की गल करिए तो 18 तो 27 साल नॉर्मल एज लिमिट रखी गई है, पर SC ST ते EWS कैंडीडेट लिए एज इलेक्शन 5 साल की छोट हों, गवर्नमेंट रूल अनुसार 5 साल की छोट मिलती ही है। तो आप क्वालिफिकेशन की गल करिए दोस्तों, पहली जो अपर डिवीजन क्लर्क है उस डिग्री की जरूरत होंगी है, ग्रैजुएशन थोड़ी की होनी चाहिए है, चाहे वह BA हो, BCOM हो या BSc हो, कोई भी डिग्री थोड़े को होनी चाहिए है। तो लोअर डिवीजन की क्लर्क की गल करिए इसलिए 12th पास मंगी गई है। अपनी टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में अपना 30 मिनट पर मिनट हिंदी में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए है। इसके अलावा आप इसके सिलेबस की गल कर लिए कि इसका जो सो जो टेस्ट होंगे वो टाइपिंग मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे है, तो अपन एक राइट आंसर क्लिक करके सेव करना होंगे है। तो जो आप हूँ जो पहली अपर डिवीजन क्लर्क की उसकी आप सिलेबस की गल कर लिए जनरल इंटैलीजेंस इंग्लिश तो मैथ तो जनरल साइंस जनरल अवेयरनैस यह 50-50 नंबर का अपने कोल होगा। तो टोटल नंबर 120 टोटल 120 क्वेश्चन नहीं सॉरी 160 मिनट मतलब कि आपको टाइम होगा। तो यह सारे इन्होंने टॉपिक दिए हुए कि जनरल इंटैलीजेंस में की अपने को टॉपिक विचों क्वेश्चन आएंगे, तो इंग्लिश विचों कि टॉपिक विचों क्वेश्चन आएंगे, यह एक बार तुसी रीड करके चंगी तरह अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यह फॉर्म नू फिल करना जरूरी होंगे है। क्योंकि दोस्तों हुण आपां लोअर डिवीजन क्लर्क की गल कर लिए तो यह 25 सिलेबस सेम ही होंगे, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन घटा दिए गए हैं 25-25 नंबर का इन्होंने जो दिता है। तो यह टॉपिक वाइज सिलेबस का पूरी डिटेल शो की गई है। तो दोस्तों होर जानकारी लिए साडा चैनल सबसक्राइब कर लो, तो वीडियो में लाइक कर लो। हाउ टू अपलाई दोस्तों तुम चाहते हो मैं तुम्हें फॉर्म अपने मोबाइल उपर भर के दिखावा, तो वीडियो के नीचे कमेंट करो तो वीडियो में लाइक जरूर कर लो। तो मैं जरूर नैक्सट वीडियो इस हाउ टू अपलाई कि आप अपलाई किमें कर सकते हैं इस पर आप वीडियो बनावे। ओके थैंक यू दोस्तों।